हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बायनोमो में ट्रेडिंग करेंगे और 70 से कंपाउंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक बायर्स का एरिया है जहाँ से टच होकर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची वो एक सेलर का एरिया है। जो ट्रेंड चल रहा है, मेजर ट्रेंड जो चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है इसमें, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी जा रही है जो एक बायर्स का एरिया शो कर रही है। और तीनों कैंडल अभी जो बन रही है, और ये पीपीएस दोनों कैंडल दोनों में भी रिजेक्शन है, और अभी जो कैंडल बन रही है उसमें भी रिजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो हम यहाँ पर एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। तो हम 5 सेकंड में देख लेते हैं, अगर हमें सही कन्फर्मेशन मिलेगी तो मैं यहाँ ट्रेड ले लूँगा। ओके, तो इस एरिया से रिजेक्शन आ रहा है तो मैंने यहाँ पर बाय का ट्रेड ले लिया है, और मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो वेट करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का एरिया है, और प्रीवियस जो दो कैंडल बनी थी उनमें भी रिजेक्शन था। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से बायर्स तो ट्राई कर रहे ऊपर जाने की, और मैं आपको 1 मिनट में ड्रॉ करके भी बता दूंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। सिंपल सा लॉजिक था, जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है जो स्ट्रॉन्ग बायर्स का एरिया शो कर रही है। तो ये सब देख के मैंने ट्रेड लिया, जब मार्केट नीचे आया तो मैंने यहाँ से बाय कर लिया था। तो ये वाला ट्रेड हमारा विन होने वाला है, 7 सेकंड बाकी है इसके अंदर। तो हमारा जो पहला ट्रेड है वो विन हो चुका है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और बायर्स के एरिया से आई है, तो यहाँ पर भी बायर्स आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर थोड़ा मार्केट नीचे आता तो मैं बाई साइड जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने एक और ट्रेड बाय का ले लिया है, और ये भी ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ से जो बायर्स का एरिया है वहीं से उठा है, तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। तो जब मार्केट थोड़ा नीचे आया तो मैंने बाय कर लिया है, क्योंकि मार्केट जो ऊपर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वहाँ तक जाना चाहिए। तो वेट करते हैं, इसमें अभी 26 सेकंड बाकी है, और ये भी हमारा कंफर्म ट्रेड था। मैं वही ट्रेड करूँगा जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर हमारा कंफर्म ट्रेड है, फालतू में कोई ट्रेड नहीं लूँगा। और जिस तरह से मैं लॉजिक समझा रहा हूँ आप भी ये सब देख के ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपको जो कुछ भी पूछना हो मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके, तो हमारा जो सेकेंड ट्रेड है वो भी विन होने वाला है, 4 सेकंड बाकी है। तो हमारा सेकेंड ट्रेड भी विन हो चुका है, बस हम लास्ट ट्रेड करेंगे। तो वेट करते हैं, बैक टू बैक ट्रेड नहीं करेंगे, अगर मुझे इसमें कुछ कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं अगेन बाय की तरफ जाऊंगा। देखते हैं मार्केट, अगर वो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, अगर मार्केट वहाँ तक आएगा तो मैं बाय कर सकता हूँ। अगर मार्केट वहाँ पे आया तो मैं बाय करूँगा। तो ठीक है, मार्केट वहाँ पर नहीं आया तो मैंने इसलिए बाय नहीं करा था, क्योंकि हो सकता है मार्केट उस लेवल को टच करने फिर से चला जाए, रिटेस्ट करने चला जाए, इसलिए मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया है। तो इस कैंडल के बाद अगर होगा तो हम ट्रेड लेंगे, बैक टू बैक ट्रेड लेने से लॉस भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया ये ट्रेड, और मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली थी। अगर मार्केट उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाता तो मैं यहाँ पे कंफर्म ट्रेड लेता यहाँ पर एक और बाय का। तो इस एरिया से भी अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है, तो मार्केट हो सकता है कि रेड जो बनी है रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है, और अगेन मार्केट में बायर्स आ जाए। तो हम 5 सेकंड में देख लेते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है, जो हमने बायर्स का एरिया है जो ट्रेंड लाइन की ड्रॉ करी है, वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन खा के वहीं पे क्लोज नहीं, उसके ऊपर ही। तो यहाँ से भी बायर्स आ सकते हैं, तो देखते हैं। ओके, मार्केट डायरेक्ट ही ऊपर चला गया है, तो मैं यहाँ पे सेल का सोच रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर सेल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 सेकंड में देख के ट्रेड लिया है। मैं आपको बता देता हूँ, 5 सेकंड में अगर आप देखेंगे इस एरिए पे अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है, और मार्केट इस एरिए से लगातार ख़तरनाक गिरा है 2 बार, एक बार यहाँ पर गिरा, एक बार यहाँ पर गिरा, तो हो सकता है कि थर्ड टाइम भी यहाँ पर गिरे। तो मैंने ये देख के मैंने इसमें ट्रेड लिया है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो ये ट्रेड हमारा एंट्री की वजह से विन हो चुका है। तो हमने 3 ट्रेड लिए, तीनों ही विन हो चुके हैं, और मैंने आपको पूरे तीनों के लॉजिक भी बताए थे, मैं आपको पेज भी रिफ्रेश करके बता दूंगा। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी पूछना आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।